Hello and welcome everyone. I am here to tell you about the class that we have studied today. Now, what is the thing that we need to study in English grammar? Like for if we have to talk about the perspective of class 10th, तो अगर हम 10th level की बात करें तो वो क्या चीजें हैं जो हमें कवर करना आवश्यक है लाइक ग्रामर में, जिसे हम ग्रामर अच्छे से सीख सकते हैं, तो वो हैं कुछ चीजें. वो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे और उसमें जो सबसे पहली चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वर्ब है. आज लिटरेचर में आने वाले चैप्टर से उसके मैक्सिमम पार्ट जो है हमने कवर कर लिए, तो लिटरेचर पे ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट दैट अ लेटर टू गॉड हो गया आपका. फिर उसके बाद आपके जो तीनों पोयम है, तीनों पोयम के बाद सिर्फ एक पोयम बचती है, द बॉल पोयम. दस डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड टाइगर इन द जू इज कम्प्लीट. बॉल पोयम इज ऑल्सो रेडी, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू. वन डे आई शेयर एंड यू कैन गो थ्रू द लेक्चर. फिर उसके बाद अगर आप बात करें स्टोरीज की, तो स्टोरीज भी ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए, क्योंकि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग तक वी हैव स्टडीड. ओनली वन स्टोरी दैट इज लेफ्ट टू बी स्टडीड, वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. उसके बाद 100 ड्रेसेस पार्ट वन एंड पार्ट टू वी विल स्टडी व्हेन द स्कूल रीओपन्स. ठीक है, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं. अगर हम दूसरे बुक की, तो उसमें सिर्फ तीन चैप्टर्स आने हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है, द थीफ स्टोरी अभी हमने नहीं पढ़ा है. दैट वी विल स्टडी, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो एनी इश्यू. तो लिटरेचर का मेजर पोर्शन कवर्ड है, बट हियर वी आर विद वर्ब एज इज रिटन ऑन द स्क्रीन. तो वर्ब का क्या काम है क्लास टेंथ में, तो कोई भी सेंटेंस का अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हैं, कहीं भी एरर डिटेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो कुछ भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा अगर आपको प्रॉपर वर्ब की नॉलेज नहीं है. नाउ वर्ब में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो एवरीथिंग अबाउट वर्ब. तो हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि वर्ब होता क्या है. तो सबसे पहले व्हाट आर वर्ब्स की जब हम बात करेंगे, तो वर्ब्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है. सब जानते हैं कि एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब कहते हैं, पर क्या सिर्फ एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब कहते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं. द वर्ड्स दैट डिनोट एक्शन एज वेल एज दैट डिनोट द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. स्टेट ऑफ बीइंग, वो किस स्टेट में है. जो स्टेटिव वर्ब्स हैं वो भी, स्टेटिव वर्ड्स भी क्या होते हैं, तो वो भी वर्ब्स ही होते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि जो हिंदी की डेफिनेशन थी, फिर हमने उसको भी रिकॉल किया था क्लास में, और वो क्या थी, जिस काम से किसी करने या होने का पता चलता है. किसी काम के करने का तो एक्शन वर्ड्स हो गया, होने का किसी अवस्था में वो है, तो वो वर्ड्स भी. जैसे हम है, बुक रखी है, तो बुक रखी है तो बुक स्टेट है. द बुक इज केप्ट, तो बुक जो रखी है वो है वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटिव वर्ब है, जो स्टेट को डिफाइन करते हैं. इस तरह से हमने देखा था कि वर्ब ना सिर्फ एक्शन वर्ड्स होते हैं, बल्कि कुछ और भी चीजें हैं जो वर्ब्स में आती हैं. तो अगर हम वर्ब की बात करें, तो मेन वर्ब किसकी सहायता के बिना आ नहीं सकते, तो सहायक क्रिया, दैट इज हेल्पिंग वर्ब. व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. तो जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि आएंगे कहाँ. तो सबसे पहले एक्शन वर्ड्स और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ड्स जो दोनों को डिनोट करते हैं, वो वर्ब्स कहलाते हैं. अब वर्ब के टाइप की अगर हम बात कर ले, तो वर्ब के टाइप्स हैं. सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है आपका, मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या होता है, जिस वर्ब से हम एक्चुअली एक्शन डिनोट करते हैं, वो क्या होते हैं, वो मेन वर्ब्स होते हैं. और वो जो मेन वर्ब्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, तो उनका काम होता है एक्शन को डिनोट करना. दूसरी बात हो गई आपकी, अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर लें, तो उनका काम क्या है, क्या सिर्फ वो हेल्पिंग वर्ब जैसा कि नाम है वैसा वो मदद करने आते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम भी है, ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो अगर मोर प्रिसाइजली बोला जाए, तो एक्चुअली वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. एक्चुअली मेन पर्पस तो उनका हेल्पिंग ही है, पर ये नहीं है कि सिर्फ उनका पर्पस हेल्पिंग ही है, उनका और भी पर्पस है. वो जिंदा है तो उनकी खुद की भी आइडेंटिटी है. तो वो कैसे, अब वो भी देख लेते हैं. जो सबसे पहला मेन वर्ब होता है उसकी बात कर लेते हैं. जैसे हम एक्शन वर्ड्स की बात किए, हमने कहा रन, जंप, राइट, तो अब इनकी बात कर रहे हैं तो मेन वर्ब्स हैं, तो इनके कुछ फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करते हैं. तो हमने क्लास में ये भी डिस्कस किया कि हाँ, मेन वर्ब जो होता है उसके कई सारे फॉर्म होते हैं. जैसे हमने कहा राइट, तो राइट का राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, तो इस तरह से कई सारे फॉर्म भी जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं. तो इनका काम कहाँ आता है, तो इनका काम आता है जब हम वर्ब का टाइम बताते हैं, वर्ब कितने टाइम में हो रहा है, किस टाइम में हो रहा है, तब ये फॉर्म्स यूज होते हैं. बचपन से हमको बताया जाता है फॉर्म्स के बारे में कि याद कर लीजिए राइट, रोट, रिटन, बट आखिर इसका काम कहाँ आता है, तो हमने वो भी वीडियो में डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में डिस्कस किया था. क्या, कि जो आपका राइट है उसका काम क्या होता है, जो आपका राइट है
वो आता है इनडेफिनिट टेंस में। इनडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट, जैसे सिंपल प्रेजेंट की बात कर लिए हम, सिंपल फ्यूचर की बात कर लिए, पर सिंपल पास्ट में नहीं। सिंपल पास्ट में वर्ब का दूसरा फॉर्म आता है, जैसे राइट है तो हम राइट कहाँ यूज करते हैं, आई विल राइट, तो ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर। फिर हमने कहा कि हम राइट का यूज प्रेजेंट इनडेफिनिट में भी करते हैं, मतलब दे राइट, ही राइट्स, तो यहां भी यूज होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट में भी यूज होता है। दूसरी चीज हमने कहा कि सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, तो इसी को ही राइट्स को, ही राइट्स को या दे राइट को वे लिखते हैं, वे लिख रहे हैं। तो इन सबको अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में हम क्या कह देंगे, तो दे रोट, ही रोट, तो हम सेकेंड फॉर्म यूज कर लेते, तो इस तरह से सेकेंड फॉर्म यूज हो जाता है। तो अब हम अगर कहें कि थर्ड फॉर्म का यूसेज कहाँ है, आखिर उसको क्यों रखा गया है, तो थर्ड फॉर्म का भी अपना खुद का यूसेज है, और वो यूसेज क्या है, थर्ड फॉर्म सारे परफेक्ट टेंसेज में यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं। जब कंटिन्यूअस आ जाए तो आईएनजी फॉर्म, तो परफेक्ट टेंसेज में क्या यूज होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन। तो अगर हमने कहा कि वो लिख चुका था या वो लिख चुका है, तो वो लिख चुका है तो ही हैज रिटन, वो लिख चुका था तो क्या हो जाएगा, ही हैड रिटन, और अगर हम कहें वो लिख चुका होगा तो ही विल हैव रिटन। तो ये चीजें हो गई आपके वर्ब की यूसेज की। तो ये तो मेन वर्ब और उसके फॉर्म्स की बात हो गई, क्या मेन वर्ब के फर्दर टाइप्स भी होते हैं, तो बिल्कुल टाइप्स होते हैं। उससे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब जान ले क्या होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी कि आखिर ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इसके जो फॉर्म्स होते हैं, सबसे पहले बी का, बी के जितने सारे फॉर्म होते हैं, बी के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, तो बी के फॉर्म होते हैं इज, आपका हो गया एम, आपका हो गया आर, तो इज एम आर हो गया। अब इज एम आर तो प्रेजेंट है, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, तो इसका पास्ट हो जाएगा वॉज और वेयर। तो इस तरह से हमने बी के सारे फॉर्म्स देख लिए। इसके बाद क्या इतने ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, और भी हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट करते हैं। और भी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, तो और भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज, हैव, हैड, इसका मतलब ये भी होता है, तो बिल्कुल होता है। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, अब लिखते हैं हम, तो हैज और हैव की बात कर लेते हैं। हैज और हैव आपका प्रेजेंट में यूज होता है, हैव आपका फ्यूचर में यूज होता है, हैज और हैव दोनों ही प्रेजेंट में यूज होता है, हैव आपका पर्टिकुलरली फ्यूचर में यूज होता है। और अगर आप बात हैड की करें तो हैड का जन्म ही पास्ट के लिए हुआ है, और जहां जहां आप हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, उसकी जगह आप आराम से हैड लगा सकते हैं। अब ये पेन और कॉपी लेके बैठ के यूसेज लिखते चलिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें हैज, हैव, हैड की, तो ये पोजेशन दिखाने के लिए, अभी हम बस सिर्फ टेंस की बात कर रहे हैं, पर्सन की बात बची हुई है। तो अगर हम हैज, हैव, हैड की बात करें, अभी हमने मेन वर्ब की तीन फॉर्म की बात की, और वो भी हमने देखा कहाँ कहाँ यूज होते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होता है, फर्स्ट फिगर से याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो रोट होता है, वो सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंसेज में यूज होता है। मेन वर्ब का एक और फॉर्म होता है एनजी, जो कि सारे कंटिन्यूअस टेंसेज में यूज होता है। तो इस तरह से हमने जो मेन वर्ब के फॉर्म्स हैं वो खत्म कर दिए, और उसके बाद हम कहें कि हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, उनके टाइप होते हैं बी के सारे फॉर्म। बी के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, वहीं पर हैज, हैव, हैड और डू, डिड, डज भी एग्जिस्ट करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में। अब जब हम बात कर लिए कि इतनी सारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, तो इनका यूसेज कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इज, एम, आर की, तो अगर हम इज की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, इज कहाँ कहाँ यूज होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज यूज होता है। राम इज, राधा इज, श्याम इज। अब आप कहेंगे राम, राधा थर्ड पर्सन क्यों है, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, तो आई इज द स्पीकर फर्स्ट पर्सन, यू आर द लिसनर सेकेंड पर्सन, तो राम और राधा थर्ड पर्सन ही तो हुए। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, राम इज स्पीकिंग, राधा इज स्पीकिंग, और फिर ही शी, प्रोनाउन की जब बात कर लें, ही शी इट इज स्पीकिंग, ही शी इट के साथ भी इज लगेगा। उसके बाद हम फिर से प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दैट इज आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। वहीं पर अगर हम बात करें थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, सॉरी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू की, तो यू के साथ आर लगेगा। यू के अलावा और किसके साथ आर लगता है, तो सारे प्लूरल्स के साथ आर लगता है, वी आर, दे आर,
ठीक है, यू आर, वी आर, दे आर. तो इस तरह से हमने देखा कि इज, एम, आर का यूसेज किसके साथ साथ होता है. तो अगर आप ही कहें तो ही के साथ इज ही लगाइएगा, यू कहें तो यू के साथ आर ही लगाइएगा, आई कहें तो आई के साथ एम ही लगाइएगा, आई इज नहीं हो सकता है. तो इज, एम, आर का पर्सन टू पर्सन जो वेरिएशन था वो मैंने आपको बता दिया है. और इनका यूज कहाँ होता है, तो इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब मेन वर्ब का आप आई एन जी फॉर्म लिखते हैं तो उसके साथ आपको इज, एम लगाना पड़ता है, इज, एम, आर. आई एम राइटिंग, ही इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, दे आर राइटिंग, यू आर राइटिंग. तो इस तरह से आपका काम हो गया इज, एम, आर का खत्म. और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वॉज और वेर के बारे में. तो वॉज, तो आई के साथ क्या आता है, वॉज. यू के साथ वॉज नहीं, यू के साथ वेर आता है. तो आई वॉज, यू वेर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, दे वर, वी वर. तो इसका मतलब वॉज सिंगुलर और वेर किसके साथ प्लूरल. बहुत ही ईजी था वॉज और वेर, तो ये बहुत ही आसानी से खत्म हो गया. अभी वॉज और वेर के बाद अगर हम बात कर लें तो हमें हैज, हैव, हैड की बात करना बहुत जरूरी है. तो आपने ये नहीं पूछा कि वॉज और वर कहाँ यूज होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है वॉज और वर. ही वॉज राइटिंग, दे वेर राइटिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं. तो हैज, हैव, हैड. तो आपको बता दें हैज, हैव, हैड जो है आपके परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं प्लस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी आते हैं. अब आप बात कर लेते हैं हैज की. हैज, तो आई हैज नहीं, आई हैज गलत है, आई हैव. यू हैज तो गलत है, यू के साथ भी क्या लगेगा, हैव. तो आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव. बाकी सबके साथ क्या लगेगा, हैज. ही हैज, शी हैज, इट हैज, राधा हैज, मोहन हैज, गोपाल हैज. ओके, तो इस तरह से ये हैज, हैव, हैड. हैड की बात कर ले तो अगर हैज और हैव जहां भी यूज हुआ है उसका अगर पास्ट में के बारे में बताना है तो आप चुपचाप हैड लगा सकते हैं. जैसे हमने कहा राधा हैज, तो राधा हैड. गोपाल हैज, गोपाल हैड. आई हैव, आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन. ठीक है, तो जहां जहां भी हैज और हैव यूज हुआ, चाहे वो हैज हो चाहे हैव हो, आप आराम से क्या यूज कर सकते हैं, वहां पर हैड यूज कर सकते हैं. तो उसकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो गया. परफेक्ट टेंस में कैसे आता है, तो परफेक्ट टेंस में हमने कहा पहले मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और यहां हमने देखा हैज और हैव और हैड यूज हुआ. तो अगर हम कहें आई के साथ हैव यूज हुआ, हाँ, तो हमें बोलना है मैं लिख चुका था, तो आई हैव रिटन. मैं लिख चुका हूँ प्रेजेंट के बाद, मैं लिख चुका हूँ तो आई हैव रिटन. मैं लिख चुका था तो आई हैड रिटन. जब पास्ट की बात करेंगे तो हैड की बात कर लिए, हैड, आई हैड रिटन. ठीक है, तो आपने फ्यूचर परफेक्ट के बारे में नहीं बताया, तो बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट के बारे में आई हैव यूज होता है और उसके साथ साथ क्या यूज होता है वो तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ही यूज होता है. तो आई विल हैव तो यही यूज होता है, वहां पर विल और शैल जो होता है मेन हेल्पिंग वर्ब होता है. तो आई शैल हैव रिटन बाय द इवनिंग, आई शैल हैव डन द वर्क. तो इस तरह से हैज और हैव और हैड हो जाता है. उसके बाद हमने देखा था, हमने क्या देखा था, हमने बहुत सारी बातें कर ली थी आज के लाइव क्लास में. मेन वर्ब हमने देख लिया, हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स चल रहे हैं हमारे, और हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स में हमें देखना है डू, डिड, डस. डू, डिड, डस. तो जब हम बात कर रहे हैं डू, डिड, डस की, तो डिड जो है ये आपका पास्ट वाला है और आपका डू और डस प्रेजेंट वाला है. तो अभी तक हमने तो मैं प्रेजेंट इनडेफिनेट भी देख लिया, परफेक्ट भी देख लिया, कंटिन्यूअस भी देख लिया, कहीं इसका काम नहीं आया. तो काम आता है जब आप इनडेफिनेट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं. मतलब ये कि जैसे हमने कहा कि आई राइट ऑन अ कॉपी डेली, ठीक है. अब इसका आई मतलब हमें बनाना है नेगेटिव, मैं कॉपी पे नहीं लिखता रोज. मैंने कहा रोज मैं कॉपी पे लिखता हूं, तो मैंने बोल दिया आई राइट ऑन अ कॉपी डेली. बट अब हमें बोलना है कि मैं कॉपी पे नहीं लिखता रोज, तो हम कैसे बोलेंगे, तो आई डू नॉट राइट ऑन अ कॉपी डेली. तो डू नॉट, तो वहां पर जाके आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है. तो वो हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा कंसिडर करते हैं, तो हम वहां पर डू और डज लेते हैं. डू किसके साथ, आई डू, वी डू, यू डू, और बाकी सबके साथ डज. ही डज नॉट राइट ऑन अ कॉपी, शी डज नॉट राइट ऑन अ कॉपी, डज नॉट हैव अ टेल. अब जहां भी हमने अभी तक डू और डज यूज किया, उन सब की जगह हम आराम से डिड यूज कर सकते हैं. आई डिड नॉट राइट ऑन अ कॉपी, आई डिड नॉट हैव अ पेन, यू डिड नॉट हैव अ कॉपी. कुछ भी जहां भी हो आप चुपचाप डू और डज की जगह क्या लगा सकते हैं, डिड. तो क्वेश्चन बनाने के लिए भी हमने कहा, तो क्वेश्चन सिमिलरली बनता है, डू यू हैव अ पेन,
तो जब यू की बात करें तो डू, डू आई हैव अ पेन, डज ही हैव अ पेन, तो डज के साथ तुरंत हमने ही के साथ डस लगा दिया, तो इस तरह से हमारा फ्यूचर और पास्ट दोनों खत्म हो गया। डिड आई हैव अ पेन, पास्ट का इंट्रोगेटिव, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हमारे इसके साथ खत्म हो गए। तो हमने देख लिया क्या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके खत्म कर ले रहे हैं। जो आपको अभी सिर्फ सुनने कहने वाली कहानी लग रही है वो इतना इंपॉर्टेंट लेसन है कि अभी आप उसकी सीरियसनेस समझ नहीं पा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, समझेंगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के दूसरे टाइप की, जो कि है मॉडल्स या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज। अब हम अगर बात करें मॉडल ऑक्सिलरीज की, तो उनका काम क्या है, तो वो अपने खुद मर्जी के मालिक हैं। क्यों मालिक हैं? जैसे हमने कहा कि अभी आपका इज एम आर बदल रहा है, सिंगुलर पे भी बदल रहा है, प्लूरल पे भी बदल रहा है, फिर हमने कहा कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, फिर टेंस के हिसाब से भी बदल रहा है, तो टाइम और पर्सन के हिसाब से चेंज हो रहा है। पर अगर मैंने कहा आई विल डू दिस वर्क, मैंने कहा इट इज माई विल, आई विल, तो क्या विल अपना फॉर्म चेंज करेगा? मैंने आई के साथ विल लगाया, मैंने कहा यू विल डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क, दे शुड डू दिस वर्क, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, तो चाहे यू आए, चाहे ये आए, चाहे दे आए, कोई भी आए, शुड नहीं बदल रहा है, विल नहीं बदल रहा है। तो मॉडल ऑक्सिलरी की यही खासियत होती है, ये अपना फॉर्म नहीं चेंज करते, कोई भी आए और चला जाए। तो इस तरह से हमने बात कर ली मॉडल ऑक्सिलरीज की भी। तो मॉडल ऑक्सिलरीज अगर हम नेमली पूछ ले कौन कौन से होते हैं, उनका पर्पस क्या है, तो सारे मॉडल ऑक्सिलरीज एक फिक्स पर्पस से आते हैं, और वो उनके नाम कौन कौन से हैं, तो उनके नाम जो हैं, उनके नाम हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, और कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, और भी कोई है, तो बिल्कुल और भी हैं। और कौन कौन सी है जल्दी से बताइए, तो वो है डेयर, हैव टू, यूज टू, और भी है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, और टू, बिल्कुल और टू भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कितने सारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो भी हमारे होते हैं, ना सिर्फ एक टाइप के हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप के हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो अपना फॉर्म चेंज करती है नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग, और मॉडल ऑक्सिलरी जो एक परफेक्ट पर्पस के लिए आती है, और ये किसी के लिए भी अपना फॉर्म नहीं चेंज करते। तो इस तरह से हमने देख लिया मॉडल ऑक्सिलरीज और कौन सी ऑक्सिलरीज, और प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो हेल्पिंग वर्ब तो खत्म, और इसके साथ साथ हमने टेंसेस के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अब बचता क्या है, अब बचता है कि मेन वर्ब के टाइप्स। तो अगर हम मेन वर्ब के टाइप्स की बात करें, तो मेन वर्ब के दो टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे आई राइट विद अ पेन, तो ये जो राइट है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है, पेन, तो जब आई राइट विद अ पेन आपने बोला तो वो क्या हो गया, राइट आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इस तरह से अगर आपने बोला आई राइट या आई हैड रिटन, तो आई हैड रिटन जब आपने बोल के खत्म कर दिया, मैं लिखा था, तो बस बात खत्म हो गई, आई हैड रिटन पे बात खत्म, उसको कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो कौन सा वर्ब कहलाएगा, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद भी क्या कुछ बचा है, तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी सी कैटेगरी बची हुई है, उसको भी हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मेन वर्ब हो गया, टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो गया, मॉडल ऑक्सिलरीज हो गया, अब आता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके साथ आज का वीडियो तो कंक्लूड हो जाएगा बिल्कुल आराम से। तो जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब है उनका पर्पस क्या है, वर्क पर्पस की अगर हम बात करें, तो फाइनाइट वर्ब में जैसा कि नाम है फाइनाइट मतलब लिमिटेड, तो फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में वो सब आ जाते हैं जो लिमिटेड होते हैं। मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरीज चेंज होते हैं, बिल्कुल, तो वो भी कहाँ आते हैं, फाइनाइट वर्ब में। मेन वर्ब अपना फॉर्म चेंज करते हैं क्या नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो बिल्कुल ये भी लिमिटेड है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब में आ गए। तो अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों फाइनाइट वर्ब में आ गया, तो नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी क्यों रखी गई? तो हमने कहा जब वर्ब लिमिटेड हो अपने पर्पस तक, मतलब जब वर्ब सिर्फ काम को डिनोट करें, क्रिया को डिनोट करें, एज अ वर्ब ही आए सेंटेंस में, तो उनका क्या है, काम लिमिटेड हो गया, फाइनाइट हो गया, तब वो कहलाएंगे फाइनाइट वर्ब। लेकिन अगर हम कहें कि वर्ब किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में काम कर रहा है, अब ये क्या है, इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, तो इसकी आवश्यकता है, हमेशा जरूरी नहीं है कि वर्ब वर्ब की तरह ही काम करेगा, कभी कभी वर्ब जो है वो अन्यथा रूप में भी आ जाता है सेंटेंस में, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वर्ब एक सब्जेक्ट यानी कि नाउन की तरह आ गया,
तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब जिन्हें हम तीन कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करते हैं, जिरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव्स. अब इनका भी एक प्रॉपर वीडियो है जो कि आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पार्टिसिपल, जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स. बट फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो वन वीडियो सेपरेट अगेन आई विल मेक, और जो आपको जो भी इस वीडियो से और भी चीजें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो भी हम कर लेंगे. वट एवर यू नीड यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एवरी वीडियो यू विल गेट. तो ध्यान रखिएगा जो वर्ब है वो भी दूसरे दूसरे रूप में आते हैं, जैसे वर्ब कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में आ जाता है, मतलब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, कभी कभी नाउन या सब्जेक्ट के रूप में ही आ जाता है. तो जब इस तरह से वर्ब आ जाता है किसी और फॉर्म में तो वो क्या कहलाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब अपनी लिमिट्स तोड़ के बाहर आ गया वर्ब और कुछ और पर्पज सर्व कर रहा है. तो इस तरह से आज की लाइव क्लास में इतनी सारी टॉपिक्स हमने, इतनी सारी चीजें कवर की थी जो मैंने सब कुछ एकदम सशब्द एक्सप्लेन कर दिया है. तो हाँ, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे. थैंक यू, हैव अ गुड डे.